इतने भोले भाले कि उनको नहीं पता है कि यहाँ पर कितनी तगड़ी एडिटिंग हुई है कि उन्होंने खाया मुंह में डाला। हेलो एवरीवन, ट्रू रिएक्शन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आप सबको मिलने वाले हैं 100% ट्रू रिएक्शंस। अगर आप मेरे इस रिएक्शन से सहमत हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और आप सबका रिएक्शन क्या कहता है तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा रिएक्शन होने वाला है वो एक कमेंट को लेकर के है। तो मैंने एक वीडियो शेयर करी थी चॉक स्लेट पेंसिल ईटिंग हैबिट को लेकर के, कि इस वीडियो को देखने के बाद आप चॉक स्लेट पेंसिल खाना पसंद भी नहीं करोगे। तो उसी वीडियो पर एक प्रीति माथुर जी का कमेंट आया है। तो वो कहती हैं कि मैं भी खाती थी 4 साल पहले तक, लेकिन अब मैं नहीं खाती हूँ, बहुत मुश्किल से मैं ये छोड़ पाई हूँ। तो यहाँ पर आप कमेंट में साफ साफ जान सकते हैं कि इन्होंने कहना चाहा है कि मैं बहुत मुश्किल से छोड़ पाई हूँ। तो मुश्किल शब्द का अर्थ आप सब अच्छे से समझते होंगे कि अगर ये हैबिट एक बार लग जाती है चॉक स्लेट ईटिंग खाने की, तो इसे आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता है। तो देखो, आप लोगों को लगता होगा कि मैं भाषण देने आ जाती हूँ, मैं फालतू में लोगों का टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप सीरियसली एक बार इस चीज़ को गहराई से सोचिएगा। बेसिकली स्पेशली वो लोग जो कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं, मैंने देखा है लोग भर भर के खा रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, सैलेड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, फूड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अन्नपूर्णा माता का अपमान कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को और उसके बाद खा के दिखा रहे हो। और खाने का भी मैं जो सही फैक्ट है वो मैं आप सबको बता दूं, जो बेचारे भोले भाले लोग हैं उन्हें नहीं पता है, जो भोले भाले व्यूवर्स हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि इसके पीछे का मेन जो एजेंडा है, मेन जो फोकस है, उस चीज़ को नहीं दिखाया जाता है। और आप सबको झूठा जो स्क्रीन पर दिखाया जाता है, सब कुछ झूठा दिखाया जाता है। और कुछ तो इतने भोले भाले होते हैं वो इन चीज़ों को बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरीके की ईटिंग वीडियोज आती है आप लोग उन्हें गौर से देखिएगा। जो भी चॉक स्लेट मिट्टी खाने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर पता है आपको क्या करते हैं, आप नोटिस करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग जो भोले भाले लोग होते हैं वो बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाएंगे, वो अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। तो आप लोग इन वीडियोस को देखते हैं, जो भी व्यूवर्स हैं जो देखते हैं, वो एक चीज़ का ध्यान में ज़रूर रखें कि वो जो आपको दिखा रहे हैं कि वो मिट्टी खा रहे हैं भर भर के, बाउल भर भर के, एक्चुअल में वो खाते नहीं हैं। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि वो लोग नहीं खा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट दूसरों को बेवकूफ़ ना बनाएं, दूसरों को एडिकेट ना बनाएं इस हैबिट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग खाते हैं, मुंह में भर लेते हैं, भरने के बाद वो आपको थोड़ी देर क्रंच करके सुनाएंगे कि हाँ वो खा रहे हैं। एक्चुअल में उनसे नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि बाद में वो लोग कुल्ला कर लेते हैं तो उनका एक भी मिट्टी का कण अंदर नहीं जाता है। तो वो क्या करते हैं, क्रंच करके आपको दिखाएंगे मुंह में, अच्छे से इस तरीके से क्रंच करेंगे। आप उनकी वीडियोस को एक बार नोटिस करिएगा। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी वीडियोज़ को सपोर्ट नहीं करना, लेकिन जो भी इस तरीके की एडिकेट हैबिट जिनको है, या फिर जो लोग इस तरीके की वीडियोस देख करके अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों को सिर्फ देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन अगर आप देख भी रहे हैं तो एक तरह से आप बढ़ावा ही दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जब उनका क्रंच खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल मिट्टी बन जाता, उसके बाद वो वीडियो को कट कर देते हैं और वो उस चीज़ को थूक देते हैं। वो एक अच्छी बात है कि चलो ठीक है, उनको कोई बीमारी नहीं लग रही है, लेकिन जो भोले भाले लोग हैं वो इन चीज़ों को कैच नहीं कर पाते हैं, तो वो कट कर देते हैं वीडियो को और फिर नेक्स्ट वीडियो में वो फिर से खाना शुरू करते हैं। तो यानी कि उनके मुंह में जितना भी मिट्टी भरा पड़ा था वो सारा उन्होंने डस्टबिन में थूक दिया और मुंह में पानी से कुरला किया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट उन्होंने खाना शुरू किया। तो इस तरीके से उनके पेट के अंदर एक भी कण नहीं जाता है और वो तो सेफ रहते ही रहते हैं, लेकिन उनकी वजह से जो सामने बैठा व्यूवर्स देख रहा है वो भोला भाला होता है, वो इस ट्रिक को अगर नहीं समझ पा रहा तो उसके हिसाब से तो उसने भाई खा लिया, और उसने मतलब कि खा लिया तो मुझे भी खा लेना चाहिए, और वो लोग ऑर्डर देते हैं और आप लोग सीधे सीधे नंबर भी दे रहे हो अपने कि हाँ भाई हम लोग सेल भी करते हैं, आप लोग हमसे परचेज कीजिए, हम आपको देंगे,
आपके घर पे पहुंचाएंगे। और इस तरीके से आप लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ पर एजेंडा खड़ा कर रखा है, पूरा का पूरा आपने यहाँ पर एक बिजनेस बना रखा है जो कि सरासर गलत है। और मेरे हिसाब से इस बिजनेस को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि आप इस कमेंट के जरिए सोच सकते हैं कि उस जो लड़की है जिन्होंने कमेंट किया है, उनका कहना है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से, मुश्किल शब्द का मतलब आप समझ सकते हो इसके लिए, क्योंकि एक बार अगर इसकी हैबिट हो जाती है तो उसके बाद इससे छुटकारा पाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि ये जो चौक स्लेट मिट्टी और ये क्ले पॉट ये सब खाते हो ना जब आप लोग, तो आपको पता है आपके खून का पानी बनता जाता है, धीरे धीरे आपके शरीर में कितनी तरह की बीमारियां आना शुरू होती हैं। आजकल का आप एनवायरनमेंट देख सकते हो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, हर चीज़ में नकलीपन है, सब्जियां भी हमारे लिए फ्रेश नहीं है, दूध भी हमें पता नहीं फ्रेश मिलता है कि नहीं मिलता है, हर चीज़ को हम लोग नाप तोल करके किसी न किसी तरीके से अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम जानबूझ करके बजाय भोजन अन्न फूड जो हमारे खाने के लिए बनी हुई चीज़ें उन्हें ना खा करके अगर हम चौक स्लेट मिट्टी वाली आदतें डालेंगे तो उससे हम सिवाय खुद को भी परेशान रखेंगे और अपने घर वालों को भी परेशान रखने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप लोगों को लगता होगा कि दुनिया में सभी इतने समझदार हैं, ये बार बार भाषण देने आ जाती है। तो देखो जी, जब तक कि यहाँ जो जितनी भी वीडियोस बन रही हैं, जब तक कि ये बनना बंद नहीं होती हैं और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो मैं अगर चाहूँगी कि मैं अपने शब्दों के जरिए अगर पॉजिटिव वाइब्स देना चाहती हूँ तो मैं ज़रूर देना चाहूँगी और वही मैं देने का प्रयास भी कर रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिए। और जो लोग इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि वो लोग नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में जो सामने वाले बैठे हैं उनके अंदर ये क्रेज़ लाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग खाइए। और उन लोगों को बेचारे कुछ तो इतने भोले भाले हैं कि उनको नहीं पता है कि यहाँ पर कितनी तगड़ी एडिटिंग हुई है कि उन्होंने खाया, मुँह में डाला और सिर्फ ओनली उन्होंने क्रंच किया और क्रंच करने के बाद जितना भी मटेरियल था उसको थूक दिया, डस्टबिन में थूक दिया और उसके बाद कुल्ला करके नए तरीके से फिर नया टुकड़ा खाने की कोशिश की है। लेकिन कई लोग इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, उनको लगता है कि यहाँ जो भी हो रहा है सब सब रियल हो रहा है और वो लोगों ने जो खाया है मुँह में वो निकल के नेक्स्ट खा रही हैं। तो ऐसा नहीं है, तो प्लीज़ अवेयर रहिए। और मैं आपको बार बार भाषण देने जब तक हूँ तब तक तो आती ही रहूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर नहीं पसंद आती है, आप लोग मेरे शब्दों से या मेरे सोच से आप लोग खुश नहीं हैं या आपको लगता है कि मैं आपको कुछ गलत राय दे रही हूँ, तो आप लोग अनलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।